शर्त लगा लीजिए, आज आपके होश उड़ने वाले हैं। लंबी सांस ले लीजिए, क्योंकि आज आपकी मुलाकात हो रही है भारत भूमि की पहली एक्ट्रेस से। ना वो जूश थी, ना ही पारसी, ना बाहर की थी, ना ही अंग्रेजों की। वो थी मुंबई में रहने वाली मराठी एक्ट्रेस कमलाबाई गोखले। ये ऐतिहासिक कहानियां बयां है उस इंसान की जिसने भारत में पहली टेक्निकल फिल्म का निर्माण किया था। जी हाँ, दादा साहेब फाल्के, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण कर भारत को फिल्म जगत से रूबरू कराया। 3 मई 1913 को जब राजा हरिश्चंद्र फिल्म रिलीज की गई, तब तूफान प्रसिद्धि से फाल्के साहेब का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पर कहीं ना कहीं उनके दिल में ये सवाल जरूर आया होगा कि उनकी फिल्म में महिला किरदार को भी पुरुष ने निभाया है, काश उनके कंपनी में एक महिला अदाकारा होती। फिर क्या था, फाल्के साहेब ने ठान लिया कि अगली फिल्म बनाएंगे तो महिला किरदार को सिर्फ एक महिला ही निभाएगी। बस यहाँ से शुरू हुई किसी महिला अदाकारा को कास्ट करने की कहानी। 19वें दशक में जहाँ मनोरंजन के लिए स्टेज शोज के अलावा और कोई माध्यम नहीं था, तब कमलाबाई और उनकी माताजी दुर्गाबाई कामत स्टेज शोज किया करती थी। कहा यह भी जाता है कि उनका पूरा परिवार नाटक कंपनी में काम किया करता था, जिसके चलते मात्र 4 साल के उम्र से कमलाबाई एक्टिंग से जुड़ गई। बता दूं कि कमलाबाई का जन्म 1901 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार एक थिएटर कंपनी से जुड़ा था और उसी थिएटर में एक दिन दादा साहेब फाल्के जी अभिनेत्री की तलाश में आए। 1913 में दादा साहेब फाल्के ने भस्मासुर मोहिनी फिल्म का निर्माण कार्य शुरू किया था और उन्हें पार्वती और मोहिनी के किरदार के लिए 2 अभिनेत्रियों की जरूरत थी। बता दूं कि बतौर अभिनेत्री दुर्गाबाई को सबसे पहले कास्ट किया गया था। उसके बाद मोहिनी के किरदार के लिए उनकी बेटी कमलाबाई को कास्ट किया गया। दुर्गाबाई ने इस फिल्म के बाद किसी अन्य फिल्म में काम नहीं किया, पर कमलाबाई ने 1980 तक कुल 35 फिल्मों में काम किया। इसीलिए कमलाबाई को भारत की पहली एक्ट्रेस का खिताब मिला हुआ है। 1 जनवरी 1914 को भस्मासुर मोहिनी रिलीज की गई और इसके साथ ही 14 साल की कमलाबाई मशहूर हो गई। उस जमाने में बेटी की शादी बाल उम्र में होती थी। कमलाबाई 13 साल की थी तब एक थिएटर आर्टिस्ट रघुनाथ राव गोखले से उनका विवाह हुआ, पर मात्र 24 साल में वो विधवा भी हो गई। और साथ ही रघुनाथ राव के जितने भी कर्जे थे उन्हें अब कमलाबाई को चुकाना थे। अपनी माँ की तरह कमलाबाई भी जिद्दी थी। अपने परिवार के रोजी रोटी के लिए कमलाबाई ने स्टेज शोज फिर से शुरू किए और कभी कभी पुरुष के किरदार भी कमलाबाई ही निभा लेती। 1930 तक कमलाबाई ने सिर्फ नाटकों में ही भूमिकाएं निभाई, पर बोलपट का जमाना आने के बाद उन्हें अपना करियर शिफ्ट करना पड़ा। राजरानी मीरा, मिर्जा साहिबा, लाले यमन, चंद्रासा, बिखरे मोती, स्ट्रीट सिंगर, हलचल, एक नज़र, गहराई जैसी फिल्मों में कमलाबाई नजर आईं। उनके बेटे का नाम चंद्रकांत गोखले है और उनके पोते विक्रम गोखले को तो आपने बेहद सारी फिल्मों में देखा ही है, पर आपने ये नहीं सोचा होगा कि इनकी दादी ही देश की पहली एक्ट्रेस है। 1997 को 98 साल की उम्र में कमलाबाई जी ने आखिरी सांस ली। तो मैं थी आपकी आरजे अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।